बांग्लादेश में सियासी तख्ता पलट के बाद वहां रहने वाले हिंदुओं पर किए जा रहे कथित अत्याचार की खबरों का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल कार्यकर्ताओं ने शनिवार को एक मैदान में झुग्गी झोपड़ियों पर धावा बोल दिया। वहां रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी बताकर लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। उनकी झोपड़ियां तोड़कर तहस नहस कर दी और कुछ सामानों में भी आग लगा दी। आप रहो आप और बताओ बांग्लादेश घर तक बता दो। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे मुस्लिमों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताकर पीटने का ये मामला सामने आया है। इस दौरान कई झुग्गियों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई। मारपीट की इस घटना में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। गाजियाबाद पुलिस ने मारपीट के संबंध में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उनके 15-20 अज्ञात साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम को गाजियाबाद के मधुवन बापूधाम थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले संजय नगर स्थित झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे कूड़ा बीनने वाले लोगों पर हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उनके साथियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमलावरों ने यहां रहने वाले लोगों के साथ धक्का मुक्की मारपीट और गाली गलौज कर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा और इसके साथ ही नारेबाजी भी की गई। इस दौरान पिंकी चौधरी का कहना था कि ये लोग बांग्लादेशी हैं। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन फिर भी उग्र हुए लोग उनके साथ तोड़फोड़ करते रहे। गाजियाबाद पुलिस ने पूरे मामले में मधुवन बापूधाम थाने में पिंकी चौधरी और उनके साथियों के खिलाफ कई धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। पुलिस के अनुसार गाजियाबाद में जिन झुग्गियों में तोड़फोड़ और मारपीट हुई ये घटना गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्री होल्ड कॉलोनी के पीछे बसे हुए लोग थे। मामले को लेकर ACP कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि जिन लोगों के साथ मारपीट की गई है उनमें से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। कल दिनांक 9 अगस्त को देर शाम 7:30-8 बजे के करीब थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्री होल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे। वहाँ पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं तथा झुग्गियाँ भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त पूरे प्रकरण में जाँच के दौरान ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग निवास कर रहे लोग में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। उस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी तथा उनके समर्थकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रिम आधिकारिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।